हम आपको आयरन OEI 177 में से न्यू लैंप चेंज करने का तरीका दिखा रहे हैं। न्यू लैंप चेंज करने के लिए ए स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बैक कवर में 21.5 स्टिकर निकालेंगे, उसके बाद ये स्क्रू निकालेंगे। अब हम बैक कवर को इस तरह से निकालेंगे। अब हम हैंडल के स्क्रू को यहां से निकालेंगे। अब हमारा हैंडल निकल गया है। अब हम ये टॉप कवर के तीनों स्क्रू को निकालेंगे। अब पावर कोर्ड के ये तीनों कनेक्शन निकालेंगे। अब हम ये सेंटर प्लेट के तीनों स्क्रू निकालेंगे। उसके बाद ये न्यू लैंप के स्क्रू को निकालेंगे। अब ये न्यू लैंप निकल गया। अब हम ये नया न्यू लैंप फिट करेंगे। न्यू लैंप के कनेक्शन को इस तरह से यहाँ फिट करेंगे।
अब हमारा न्यू लैंप यहाँ पे फिट हो गया है। अब हम ये तीनों सिरामिक रिंग को इस तरह से बिठाएंगे। उसके बाद हम न्यू लैंप को इस तरह से रखकर सेंटर प्लेट को इस तरह से फिट करेंगे। अब हम ये पावर कोड का कनेक्शन करेंगे। एल सिंबल के साथ ब्राउन वायर को का कनेक्शन करेंगे। एन सिंबल के साथ ब्लू वायर का कनेक्शन करेंगे। और अर्थिंग के सिंबल के साथ येलो विथ ग्रीन वायर का कनेक्शन करेंगे। अब हमारे पावर कोड का कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है। अब हम ये टॉप कवर को इस तरह से रखकर यहाँ पे तीनों स्क्रू फिट करेंगे। उसके बाद हम हैंडल को इस तरह से रखकर हैंडल का स्क्रू को फिट करेंगे। अब हम ये स्ट्रेंथ रिलीवर को
इस तरह से बिठाएंगे और बॉटम कवर को इस तरह से रखकर फिट करेंगे। अब हमारी आयरन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है।